बिटटोरेंट आज जिस प्राइस पे है 2030 तक वो किस प्राइस में जाएगा? मेरा बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, मेरा यूट्यूब का वीडियो का नीचे कमेंट करते हैं कि भाई इसका फंडामेंटल सभी चीज़ें बताइए और ये 2030 तक किस प्राइस पे जाएगा उसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइस प्रेडिक्शन बताइए। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए वही वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे है आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम सभी चीज़ें बिटकॉइन का ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं फंडामेंटल सभी चीज़ें बताऊंगा शुरुआत से, वो किस मतलब कितना स्ट्रॉन्गेस्ट वो कॉइन है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली प्राइस प्रेडिक्शन बताऊंगा 2030 में ये ऐसा होगा वैसा होगा तो आप लोग डायरेक्टली बोलेंगे क्या फेंक रहा है, क्या कुछ भी चीज़ें जो मुंह में आ रहा है वही बोल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले आपको फंडामेंटल सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ, किसके वजह से वो 2030 तक इस प्राइस पे जाएगा, ताकि आपको एक भरोसा हो जाए, वरना आपको भरोसा ही नहीं होगा, आपको बिलीव ही नहीं होगा इस कॉइन का ऊपर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चेहरा पहली बार देखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक देके नीचे एक कमेंट भी छोड़ देना, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम जो है वो इस वीडियो को और भी जो जिन लोगों को चाहिए वो वीडियो, जिन लोगों को इस वीडियो जरूरत है उन सभी के पास इस वीडियो को रिकमेंड करे। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। बिटटोरेंट का अगर हम नेगेटिव न्यूज ढूंढने जाए तो इसका नेगेटिव न्यूज जो है वो ना के बराबर है, और पॉजिटिव न्यूज तो इसका ढेर सारे है। 2001 में बिटटोरेंट जो है वो लॉन्च हुआ, लेकिन उसके कुछ सालों में उसका नाम जो है वो बहुत बदनाम रहा। क्यों? क्यों? इसको यूज करके लोग पायरेसी करते थे, इसीलिए इसका नाम बहुत बदनाम था तब के वक्त। लेकिन जब उसको 2018 में एक्वायर कर लिया गया हमारा ट्रोन का फाउंडर जस्टिन सन के द्वारा, तब से वो यूज होने लगा P2P तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में फाइल शेयरिंग में। तो अब बात करते हैं ये जो BTTC का प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, तो उससे क्या BTTC का बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो कम जा रहा है? तो हम BTTC का लेटेस्ट न्यूज को देखेंगे इस वीडियो में और उसका प्राइस फोरकास्ट को भी, टू हेल्प यू बेटर नेविगेट द मार्केट। बिटटोरेंट दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड P2P फाइल शेयरिंग नेटवर्क है With more than 90 million active users. और उसका software install clients जो है वो 2 billion से भी ज्यादा है। BitTorrent का protocol को invent किया गया था 2001 में एक computer programmer के द्वारा, जिनका नाम था Bram Cohen, ताकि larger file को transfer करने में मदद हो बिना किसी central server के मदद लिए। इसी की वजह से इसका इस प्रोटोकॉल का इन्वेंट हुआ था। फिर कोहेन ने बिटटोरेंट को छोड़ दिया किसी वजह से, उसके बाद उसको एक्वायर कर लिया गया था ट्रोन का फाउंडर जस्टिन सन के द्वारा, और उनका बिटटोरेंट को एक्वायर करने का पहला मोटिव था कि वो ट्रोन का ब्लॉकचेन का ऊपर और भी लोगों को ऑनबोर्ड कर सके बिटटोरेंट का मदद से, और जो ट्रांजेक्शन है उसको स्मूदन करके, क्योंकि बिटटोरेंट जो है वो ट्रांजेक्शन स्मूदन करने का भी काम कर रहा था, इसीलिए वो बिटटोरेंट का मदद से ट्रांजेक्शन जो है उसको स्मूदन करके और भी लोगों को बोर्ड कर रहे थे ट्रोन का ब्लॉकचेन का ऊपर। फिर उसका प्रोटोकॉल को और भी बड़ा किया गया ताकि वो और भी बड़ी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में फाइल शेयरिंग में मदद करे। फिर उसके बाद 2021 का 21 फरवरी में बिटटोरेंट का जो वॉलेट्स नंबर है वो एक्सीड हो गए 320 मिलियन। 320 मिलियन नंबर से उसका जो वॉलेट नंबर है वो एक्सीड हो गए। और फिर 12 दिसंबर को BTT जो है उसको माइग्रेट कर दिया गया था BTTC में, ताकि वो इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज कर दिया जा सके और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको भी इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि जो BTT था वो एक लिमिटेड था, वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था वेब 3.0 में, और वो डिसेंट्रलाइज तरीके से फाइल शेयरिंग में भी इतना बड़ी तरीके से मदद नहीं कर पा रहा था, उसका इंटरऑपरेबिलिटी जो था वो लिमिटेड था, इसीलिए उसको माइग्रेट कर दिया गया। और तब उसका इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो बढ़ गया विथ इथेरियम ट्रोन BNB स्मार्ट चेन टू एड मोर सपोर्ट फ्रॉम दोज ब्लॉकचेन इन द फ्यूचर। और उसी के साथ साथ प्रीवियस BTT टोकन जो था वो स्वैप किया गया था BTTC में, और स्वैप करने के साथ साथ उसको इसी रेशियो में इंक्रीज किया गया कि 1:1000 रेशियो में उसको इंक्रीज किया गया, जिसके वजह से उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, 990 ट्रिलियन से बढ़ गया था। लेकिन BTT टोकन को अभी भी यूज किया जा सकता है BTFS सिस्टम का फीस जो है उसको पे करने के लिए, और BTT स्टेक भी किया जा सकता है करेंटली, और BTTC और ट्रोन का कॉम्बिनेशन के वजह से BTTC पे मास नंबर पे एडॉप्शन हुआ। एज ए रिजल्ट BTT नेटवर्क वॉज एबल टू गेट 100 मिलियन यूजर्स। BTTC नेटवर्क और ट्रोन ने मिलकर एक बहुत बड़ा विजन देखा कि डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट विदाउट बैरियर का, और उसी में स्पेसिफिकली BitTorrent ने एक वरदान के तौर से लाया एक लाइव स्ट्रीम। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड लाइव स्ट्रीम उसने BTTC ने मतलब नया प्रेजेंट किया, और उसका नाम है DLive प्रोटोकॉल। BitTorrent जो है वो फर्स्ट हेटेरोजेनियस इंटरऑपरेबिलिटी चेन नेटवर्क है ये पूरा कम्युनिटी में, ये पूरा क्रिप्टो मार्केट पे
फर्स्ट हेटेरोजीनियस इंटरऑपरेबिलिटी चेन है ये, और ये ट्रेडिशनल फाइल शेयरिंग और डाउनलोडिंग को हटाने के लिए बिटटोरेंट ने और एक उसका ऐप जो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है उसको लॉन्च किया, जिसका नाम है बिटटोरेंट फाइल सिस्टम। और इसी बिटटोरेंट सॉफ्टवेयर में ऑल काइंड ऑफ शेयरिंग एंड डाउनलोड कैन बी एग्जीक्यूटेड, और ये सभी जो ऑपरेशन है वो एक ही साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है ट्रोन का नेटवर्क पे, ट्रोन का ब्लॉकचेन पे। बिटटोरेंट ने करेंटली कॉइन मार्केट कैप पे पोजीशन जो होल्ड करके रखा हुआ है वो है 47th रैंक का, जो कि एक बहुत बढ़िया नंबर है 47th रैंक का, टॉप 100 में घुसने का, 47th रैंक को एक्वायर करने का। तो ये जो चीजें हैं ये आगे जाके और भी बढ़ेगा, इसका रैंक जो है वो आगे जाके और भी बढ़ेगा, क्योंकि ये सभी जो चीजें हैं ये सभी चीज मिलके बिटटोरेंट को एक बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग कॉइन बना देता है, और साथ ही साथ जो उसका ट्रोन का सपोर्ट जो है इसी के साथ है। और ये कॉइन जो है ये 2-3 महीने में या इसी 2022 में 1 सेंट तक तो डेफिनेटली जा सकता है, कि अगर ये जो एक मतलब जो माइंडसेट है, प्रीवियस जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट है उसका जो ट्रेंड लाइन है उसको अगर ब्रेक कर दे, क्योंकि लोग जो है वो बिटकॉइन का करेंटली उसका फंडामेंटल चीजों को अभी तक समझ नहीं रहे, और जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट है करेंटली लोगों का मार्केट पे वो भी चेंज होना चाहिए। मार्केट करेंटली हम सबको देखने को मिल रहा है ये बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट जब ओवरऑल मार्केट जब एक पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा, ओवरऑल मार्केट जब एक बिटकॉइन स्पेशली जब एक पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा, तो हमें सभी कॉइन में एक पंप देखने को मिलेगा। और हम अगर बिटकॉइन का 2030 तक प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। आप यहां पे करंटली स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बिटकॉइन का करंटली जो प्राइस है डॉलर के, अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो यहां पे देख सकते हैं 50 है फिर 119 है, करंटली ये बहुत डाउन में गया है, लेकिन मुकाबले बाकी जितना क्रिप्टो है उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो ये कुछ नहीं है, बाकी जितना भी कॉइंस है जो जितना परसेंटेज डाउन में गए हैं उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है, अभी तक ये बहुत ऊपर है। तो इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो करंटली डाउन में चल रहा है, इसका ये जो प्राइस है ये आपको चेंज होते हुए देखने को 110% मिलेगा 2024 में, 2025 में, 2030 तक तो जाने का जरूरत नहीं है, 2025 तक ये 1 सेंट को क्रॉस करके भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर हम 2030 तक इस कॉइन को टाइम दे तो ये चीज़ें आप देखिए यहाँ पे ट्विटर पे, अगर ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जो इसका फॉलोअर्स है वो काफ़ी तेजी से ट्विटर पे इसका फॉलोअर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 649.3 के फॉलोअर्स करंटली इसका है। और अगर हम इसका वीकली रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्विटर टोटल इसका जो माइनस है वो इंक्रीज हो चुके हैं, यहाँ पे 4.69 मिलियन से भी इसका टोटल नंबर ऑफ माइनस जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स का तो यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो 72.3 मिलियन से एक्सीड हो चुके हैं इसका। और अगर हम बात करें तो इसका टोटल रेवेन्यू का, तो इसका टोटल रेवेन्यू जो है वो 14.387 बिलियन जो है इसका टोटल रेवेन्यू वो इंक्रीज हो चुके हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से ये आपको अंदाजा देगा कि ये 2030 तक इसका प्राइस जो है वो कहाँ तक जा सकता है। देखिए जब भी किसी भी कॉइन जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग रहता है और उसमें वायरलिटी भी रहता है, ये मैंने काफ़ी सारा वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसका प्राइस जो है वो पंप होने में समय नहीं लगता। हम सबको पता है 100%, 200%, 300% ये क्रिप्टो में एक दिन में आना कोई बड़ी बात नहीं है, रातों रात हमको 1500% तक देखने को मिला है। आने वाले टाइम में बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जो है वो बहुत ही जल्द उसको क्रॉस करेगा, लेकिन अगर हम बात करें 2030 तक उसको समय दे तो बिटकॉइन जो है वो तो डेफिनेटली उसका ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके 100,000 डॉलर से भी ऊपर जाएगा बिटकॉइन। ये हम सबको पता है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे एनालिसिस को आप जाके पूछ लीजिए कि बिटकॉइन जो है वो 100,000 डॉलर से भी ऊपर जाएगा। तो इसी में अगर हम बात करें कि बिटटोरेंट जो है वो क्या करेगा, बिटटोरेंट जो है वो $1 को भी क्रॉस कर सकता है 2030 तक। अगर हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बेस करके हम बात करें और इन्हीं सब फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर बेस करके बात करें तो बिटटोरेंट जो है वो 110% वो $1 को भी क्रॉस कर सकता है 2030 तक आते आते। 2030 का अभी तक साल कितना बाकी है, 8 साल बाकी है, तो 8 साल में ये तो लाजमी है, ये तो डेफिनेटली जाएगा $1, क्या ये 4-5 डॉलर तक भी जा सकता है। अगर साथ ही साथ मैं ये भी मेंशन कर दूं, अगर इसमें बर्निंग भी होता है, देखिए बर्निंग भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बर्निंग अगर होगा तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो घटेगा, इससे हमें कॉइन में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, कॉइन का सप्लाई जो है वो घटेगा, डिमांड जो है वो बढ़ेगा, इससे प्राइस जो है वो काफ़ी तेज़ी तरीके से बढ़ेगा। करेंटली बिटटोरेंट में कोई भी खामियां नहीं है, कोई भी इसका कमी नहीं है, बिटटोरेंट जो है फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इस पे हाइप भी है करेंटली, और इसका और भी हाइप आना बाकी है। जब ये क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में जाएगा, करेंटली बहुत सारा नेगेटिव है, नेगेटिव मार्केट चल रहा है यहाँ पे,
बिटकॉइन जो है वो भी नेगेटिव में चल रहा है। तो बिटकॉइन जब ऑल टाइम हाई को टच करेगा, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई को टच करेगा, तो बिटकॉइन जो है वो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे बिटकॉइन को। बिटकॉइन 30 तक जो इसका प्राइस प्रेडिक्शन है, मैं बहुत ही बुलिश हूँ बिटकॉइन को लेके। ये $2-3 को भी टच कर सकता है आराम से जाके 2030 तक, इसका ऊपर भी जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि हमने ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि एक साल में ये 200,000% जो है वो रिटर्न देता है शिबा इनू का जैसा कॉइन। तो ये बिटकॉइन क्या चीज़ है, बिटकॉइन तो इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो आप इस तो आपको ये चीज़ें जो है वो समझना पड़ेगा। लेकिन लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलर्ट है, आप ज़रूरी पैसा आप बिल्कुल क्रिप्टो मार्केट पे मत लगाइए। क्योंकि फिलहाल आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही चुके होंगे बहुत सारे लोग जो है वो लूना के वजह से रो रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ चीज़ें नहीं करना है। देखिए ये क्रिप्टो मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको सेफ रहना है, सेफली प्ले करना है, उतना ही पैसा लगाइए जितना, अगर आपका लूज भी हो जाएगा तब भी आपको कोई फर्क ना पड़ेगा। तो अल्टीमेट समरी अगर हम बात करें तो बिटकॉइन का ऊपर, BTC का ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। और अगर हम 2030 तक उसका प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो ये $4-5 का ऊपर जा सकता है। तो आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के बताइए, मैं उसका जरूर अप्रिशिएट करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना और नीचे कमेंट भी छोड़ देना। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अभी का ये वीडियो खत्म। टाटा बाय बाय, थैंक यू।